हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं एडवोकेट खुशबू जांगिड़ और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बेटियों के अधिकार से रिलेटेड है। यस, क्या सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटियों को कितना अधिकार होता है? वैसे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अधिकार बेटियों को तो शुरू से नहीं थे, लेकिन 2005 में ही एक अमेंडमेंट आया जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो प्रॉपर्टी होती है उसमें बेटियों को भी अब हिस्सेदारी दी जाएगी। वो जो 2005 का जो अमेंडमेंट था वो था एंसेस्टर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें बेटियों के अधिकार को यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया। लेकिन उसके बाद में भी एक क्वेश्चन मार्क हमेशा से रहा कि जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें क्या बेटियों का अधिकार होगा। तो इससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में ही एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया है। आज हम इस वीडियो में इस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है दो तरीके की। जब आपको इन दोनों प्रॉपर्टी का अंतर समझ में आएगा तभी आप समझ पाएंगे कि आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर है। तो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है दो तरीके की। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेकेंड होती है एंसेस्टर प्रॉपर्टी। सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी को हम हिंदी में स्वअर्जित संपत्ति कहते हैं। स्वअर्जित संपत्ति का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रॉपर्टी, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में रहते हुए अपने कमाए हुए पैसों से यदि कोई प्रॉपर्टी को परचेज करता है तो उसे कहते हैं सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि स्वअर्जित संपत्ति। सेकेंड होती है एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जिसे हम हिंदी में पैतृक संपत्ति कहते हैं। जब कोई प्रॉपर्टी किसी चौथी पीढ़ी को प्राप्त होती है तो वो उस चौथी पीढ़ी के लिए यहाँ पर पैतृक संपत्ति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये चार पीढ़ियां हैं, मान लो ये बेटा है, इस बेटे को ये प्रॉपर्टी अपने परदादा से दादा को, दादा से पिता को, पिता से जब ये प्रॉपर्टी अपने बेटे को यहाँ पर चौथे नंबर वाली पीढ़ी को प्राप्त होगी, तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर प्राप्त हुई है, ये चौथी वाली पीढ़ी के लिए ये पैतृक संपत्ति कहलाएगी, यानी कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में बेटियों का अधिकार है वो 2005 से यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि, और यहाँ पर जो है अमेंडमेंट कर दिया गया कि अब से बेटियों को भी प्रॉपर्टी में अधिकार दिया जाएगा। लेकिन उसके अंतर्गत ये जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कुछ भी बात नहीं कही गई थी, उससे रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं किया गया था। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस केस को। इस केस का नाम है अरुणाचल गोंडर वर्सेस पुनुस्वामी एंड अदर्स, 2022 में आया था ये लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस में हुआ ये था कि जो अरुणाचल के फादर थे उनकी 1949 में जो है डेथ हो जाती है। 1949 में अरुणाचल के फादर की डेथ हो जाती है, और अरुणाचल के फादर की केवल एक ही संतान होती है, वो होती है अरुणाचल, केवल वो भी एकमात्र बेटी। अब हुआ ये कि जो अरुणाचल के फादर थे उन्हें उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें जो उनकी जो पैतृक संपत्ति थी उनके पिता की, वो उसमें से उनकी हिस्सेदारी मिल गई थी। यहाँ पर जो है बिल के थ्रू ट्रांसफर हो गई थी, तो इनके पिता के लिए जो वो प्रॉपर्टी आ गई थी वो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी के नाम पर आई थी। अब इस केस में हुआ ये कि जो अरुणाचल के फादर थे, अरुणाचल के फादर के जो भाई थे, उनने ये डिमांड करी, उन्हें यहाँ पर ये केस लगा दिया कि जो प्रॉपर्टी थी अरुणाचल के फादर की उसमें उनकी हिस्सेदारी होगी, ना कि अरुणाचल की हिस्सेदारी होगी। जिसके खिलाफ अरुणाचल ने यहाँ पर पिटीशन फाइल करी थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट और जो है हाई कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने 2011 में ये जजमेंट पास किया कि यहाँ पर सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटियों की कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती है। तो उसी के चलते यहाँ पर अरुणाचल को कुछ भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके बाद में अरुणाचल की डेथ हो जाती है, तो अरुणाचल के जो बेटे होते हैं वो इस केस को लड़ते हैं, और एट लास्ट यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट पास करता है कि यहाँ पर बेटियों की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी होगी। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रिंसिपल के बारे में बात कही, दो प्रिंसिपल का यहाँ पर जिक्र किया गया, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप, सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप का इजी और एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको मतलब समझाती हूँ कि यदि कोई, मान लो तीन भाई है, तीन भाई में से मान लो सेकेंड नंबर वाले भाई की यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो जो सेकेंड नंबर वाले भाई की जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी का जो आधा आधा हिस्सा करके पहले वाले और तीसरे वाले भाई को मिलेगा, क्योंकि ये जो तीन भाइयों में से एक भाई की यदि डेथ हो जाती है तो यहाँ पर दो सर्वाइवरशिप इसके बचते हैं,
तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है उनके भाइयों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर इसे कहते, इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये है कि यदि मान लो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल तीन भाई है, अब तीन भाई में से अगेन मान लो सेकेंड वाले की डेथ हो जाती है, तो सेकेंड वाले की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इन दोनों में ना जाकर के यहाँ पर नहीं जाएगी, ना ही पहले वाले भाई को जाएगी, ना ही थर्ड वाले भाई को जाएगी। यहाँ पर जो सेकेंड वाला भाई है, मान लो उसके दो बच्चे हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उनकी हिस्सेदारी यहाँ पर इनके बच्चों को होगी, ना कि इनके भाइयों को होगी। एक बार फिर से मैं आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पर बता देती हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप का मतलब ये होता है कि जितने भी मान लो भाई हैं, यदि भाइयों में से किसी भी भाई की यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो उसमें रिमेनिंग जो भाई बचते हैं उसमें यहाँ पर प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में यहाँ पर जितने भाई बचे हुए हैं, भाइयों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है। यदि उनके बच्चे हैं तो उनकी नीचे वाली जो पीढ़ी है उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप। तो ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एप्लीकेबल होगा, ना कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप। तो इसी वजह से यहाँ पर जो अरुणाचल के जो चाचा थे, यानी कि अरुणाचल के फादर के जो भाई थे, उन्होंने ये जो यहाँ पर पिटीशन लगाई थी कि जो प्रॉपर्टी है उसमें अरुणाचल की हिस्सेदारी नहीं होगी, उसमें हमारी हिस्सेदारी होगी। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एप्लीकेबल होगा, ना कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप। तो इस तरीके से ये जो जजमेंट है, ये लैंडमार्क जजमेंट हो गया है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये लिखा है कि ये लैंडमार्क जजमेंट है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जो भी बेटियां हैं उन सभी को सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदारी होगी। यदि मान लो वो एकमात्र संतान है तो प्रॉपर्टी उन्हीं को ट्रांसफर होगी, यदि पिता की मृत्यु उसकी विल बनाने से पहले हो चुकी हो। यदि जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है कि पिता जो कोई भी व्यक्ति यदि सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी करता है, मतलब कि अपने कमाए हुए पैसों से यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो उसका यहाँ पर ये इंडिविजुअल राइट होता है कि ये डिसाइड करने का कि फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी वो किसे ट्रांसफर करना चाहेगा, या फिर किसे दान में देना चाहेगा, या फिर नहीं देना चाहेगा। लेकिन मान लो कि यदि पिता की मृत्यु उसकी विल बनाने से पहले हो जाती है, तो उस स्थिति में यदि मान लो उसकी एकमात्र संतान होती है लड़की, या फिर उसकी मान लो दो संतानें हैं, वो दोनों लड़कियां हैं, तो उस स्थिति में भी जो प्रॉपर्टी है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसमें दोनों लड़कियों में वो बराबर बराबर ट्रांसफर होगी। तो आज हमने इस वीडियो में ये डिस्कस किया कि जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें बेटियों की कितने हिस्सेदारी होती है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट के द्वारा ये क्लियर कर दिया है कि जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें भी अब से बेटियों की हिस्सेदारी होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी, और आपने एंड तक वीडियो जरूर देखा होगा। तो अब एंड तक वीडियो देख लिया है तो आप प्लीज लाइक भी करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील गुरु को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।